नमस्कार, सृष्टि ऑनलाइन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैनचेस्टर टीम इंडिया और मेजबान इंग्लैंड आज दोपहर 3:30 बजे से यहां ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर उतरेगी। मेहमान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सामने टीम डिपार्टमेंट में जरूरी सुधार करने की चुनौती है। गेंदबाजी, ओपनिंग जोड़ी और फील्डिंग मजबूत किए बिना सीरीज में बढ़त बनना मुश्किल होगा। इंग्लैंड के गेंदबाज जेम्स एंडरसन बैलेंस और बल्लेबाजी मोइन अली को काबू में करने के लिए उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। एंडरसन घातक फॉर्म में है। अब तक हुए 3 टेस्ट मैचों में एंडरसन 24 के औसत से 16 विकेट ले चुके हैं। उनका बेस्ट प्रदर्शन 93 रन देकर 5 विकेट लेने का रहा है। शिखर धवन, विराट कोहली और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उनके फेवरेट शिकार है। सीरीज में उन्होंने धवन को 3 बार आउट किया है। वहीं धोनी, जडेजा, कोहली और मुरली विजय 2-2 बार उनके आगे ढेर हुए हैं। एंडरसन की स्ट्रेंथ रफ्तार के साथ स्विंग करने की क्षमता है। वे लगातार भारतीय बल्लेबाजों को बाहर जाती गेंदों के साथ छेड़छाड़ करने को ललचाते हैं और विकेट कीपर पर की सहायता से विकेट झटक लेते हैं। यही वजह है कि 16 में से 13 विकेट उन्होंने स्लिप या विकेट कीपर को कैच करवा कर लिए हैं। धोनी एंड कंपनी को उनकी स्विंग के खिलाफ सॉलिड तकनीक लगानी होगी। इनमें स्ट्रेक टेस्ट सीरीज के 4th मुकाबले में जीत दर्ज कर लीड लेने के लिए दोनों टीमें बेताब हैं। अब तक दोनों ही टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं। दूसरा टेस्ट भारत ने और तीसरा टेस्ट इंग्लैंड ने जीता है। साउथ पम्पटन में हुए तीसरे टेस्ट में जेम्स एंडरसन, रविंद्र जडेजा विवाद काफी उछला था। इस विवाद को भुलाकर दोनों टीमें जमकर संघर्ष करने की चुनौती होगी। टीम इंडिया मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर 24 साल बाद वापसी कर रही है। इससे पहले टीम ने 1990 में यहां टेस्ट मैच खेला था। उसके बाद दोनों टीमों के बीच यहां कोई टेस्ट मुकाबला नहीं खेल गया। उस मैच में 17 साल के सचिन तेंदुलकर ने आखिरी पारी जुझारू शतक लगाकर टीम को पराजय से बचाया था। तब यह जिम्मेवारी युवा बल्लेबाज विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के कंधों पर है। शाहरुख खान का दुबई से पुराना नाता है। शाहरुख खान के कुछ साल पहले दुबई के पाम जुमेराह में घर खरीदा था। यह दुनिया के सबसे आलीशान हिस्सों में से एक है। अब ताजा खबर यह है कि शाहरुख ने दुबई में अपना नया प्रोजेक्ट रॉयल एस्टेट बाय शाहरुख खान शुरू किया है। बुधवार शाहरुख और गौरी ने दुबई के मदीनत जुमेराह में अपनी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। 230 करोड़ की कीमत के इस प्रोजेक्ट से शाहरुख दुबई में प्रॉपर्टी के इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 23 लाख वर्ग फुट में दुबई के इन्वेस्टमेंट पार्क में शाहरुख हाउसिंग कम्युनिटी डेवलप करेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत घरों का इंटीरियर शाहरुख खान के वाइफ गौरी ने डिजाइन किया है। वही शाहरुख के लॉस एंजलिस बेस्ड आर्किटेक्ट फ्रेंड टोनी अशाई इस पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग इवेंट में भारत समेत पाकिस्तान, कनाडा और यूके जैसे मुल्कों के लोग भी शामिल थे। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के लिए शायद ही इससे ज्यादा शर्मिंदे की कोई बात खबर हो कि सरकार उनको दिए गए सम्मान को वापस ले ले। दरअसल अभिनेता सैफ से पद्मश्री का सम्मान वापस लिया जा सकता है। मुंबई की एक अदालत में सैफ पर आरोप तय होने के बाद सरकार उनसे पद्मश्री वापस लेने की मांग पर विचार विमर्श कर रहे हैं। सैफ पर फरवरी 2012 में मुंबई के एक रेस्टोरेंट में दक्षिण अफ्रीका के एक कारोबारी से हाथापाई के मामले में मुंबई की एक अदालत ने मार्च 2014 में उनके खिलाफ आरोप तय किए थे। आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने बीते 14 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष शिकायत दर्ज करवाकर सैफ से पद्मश्री वापस लेने जाने की मांग की थी। उनका कहना है कि मुंबई की एक अदालत ने एक रेस्टोरेंट में झगड़े के मामले में सैफ के खिलाफ आरोप तय किए हैं। ऐसे में उनसे यह पुरस्कार छीन लिया जाना चाहिए। उनकी शिकायत की स्थिति के बारे में जानने के लिए दायर आरटीआई निवेदन के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा कि मामले की छानबीन चल रही है। सैफ अली खान को कला के लिए दिए गए उनके योगदान को देखते हुए साल 2010 में पद्मश्री के सम्मानित किया गया था। गौरतलब है कि इस मौके पर उनके साथ करीना कपूर भी शामिल थी। दोनों की इन तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस मामले में जब याचिकाकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा, अभिनेता सैफ के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। इतना ही नहीं, सैफ पर कई अन्य क्रिमिनल केसेस भी है में भी इन्वॉल्व होने के आरोप लगे हैं। ऐसे में सैफ अली खान इस सम्मान के काबिल नहीं है। यदि आप हमें कुछ खबर या सूचना देना चाहते हैं तो हमारा पता है P24 महावीर मार्केट, सेक्टर 18, वाशी, नवी मुंबई। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।